देखिए क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर इतना है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू विच लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड द ओरिजिन सच दैट ओ पी इक्वल टू में ओ क्यू। अच्छा समझिए इसको, यहाँ ऑफ द पॉइंट पी आर, यहाँ पर पी का कोऑर्डिनेट दिया है और कह रहा है कि हमें क्यू का कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि हमारे पास कह रहा है कि क्यू कहाँ लाई करता है, तो पी एंड ओरिजिन को ज्वाइन करने वाले लाइन पर लाई करता है क्यू, जहाँ पे ओ पी ओ क्यू के इक्वल है। तो चलिए इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्स डैश वाई और यहाँ पर ये वाई डैश, ये आपका ओरिजिन हो गया, इधर पॉइंट पी होगा ना, पॉइंट पी इधर होगा जिसका कोऑर्डिनेट है आपका -3, 2। अच्छा इसको इससे ज्वाइन करने वाले लाइन पे कौन लाई कर रहा है, क्यू लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग क्यू की बात करेंगे तो इसको आगे प्रोड्यूस करने पे ना हमें क्यू मिलेगा, क्योंकि ये भी कह रहा है ना जी, ये भी कह रहा है कि ओ पी ओ क्यू के बराबर है, इक्वल है ओ पी ओ क्यू के, तो क्यू इधर होगा तभी ना ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यू लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड ओरिजिन, पी एंड ओरिजिन सच डैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। ओ पी किसके इक्वल है, ओ क्यू। तो इसके लिए आप देखो, आप चाहो तो इसको मिड पॉइंट थ्योरम से बना सकते हो, लेकिन आप नहीं पढ़े हो अभी, मिड पॉइंट फार्मूला से आप बना सकते हो, लेकिन अभी आप पढ़े नहीं हो, तो हम लोग डायरेक्टली इसको देख सकते हैं कि ये ओरिजिन के इधर है, ये इसके जस्ट अपोजिट में है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई निगेटिव होगा इसमें, है ना जी। तो कोऑर्डिनेट 3 और -2 हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू आर क्या हो जाएगा, 3, -2। या फिर आप इसके लिए आप मिड पॉइंट फार्मूला पढ़े हो उससे बना सकते हो, आगे हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। हम लोग कोऑर्डिनेट इसका 0, 0 ले लेते हैं और इसको हम लोग एक्स वाई ले लेते हैं, ये आपका ओरिजिन है तो 0, 0 हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि ओ पी इक्वल टू में ओ क्यू, मैं दूसरा मेथड अब बता रहा हूँ, ठीक है, ओ पी ओ क्यू के इक्वल दिया है, तो हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट फार्मूला के लिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, पी क्यू का मिड पॉइंट है और पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो अब हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं फॉर्मूला x + -3/2 और हो जाएगा y + 2/2 इक्वल टू में 0, 0, ठीक है। तो यहाँ पे x -3/2 और y + 2/2 इक्वल टू 0, 0 अलग अलग यहाँ से कर देंगे, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x -3/2 इक्वल टू में 0 और y + 2/2 इक्वल टू में यहाँ पर 0। तो अब इसके बाद यहाँ से आ जाएगा x - 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से y + 2 इक्वल टू में 0। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा आपका x का वैल्यू 3 और y का -2। तो हम लोग का क्यू का कोऑर्डिनेट नहीं आ गया 3, -2। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रवि का आंसर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।